राज्य मंत्री राव साहेब दानवे नागपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से हाल ही में अर्थमंत्री सीतारमन द्वारा पेश किए बजट पर पत्रकारों से संवाद साधते हुए दानवे बोले, बजट में सड़क सुरक्षा, रेलवे, गति ऊर्जा योजनाएं, स्टेशन विकास, गरीबों के लिए हर घर में नल का पानी जैसी कई योजनाएं शामिल है। कई मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक प्रावधान किया गया है, इसलिए इस बजट का हर स्तर पर स्वागत किया गया है। यह वर्ष देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2022 का बजट पेश किया गया। यह अगले 25 वर्षों को देखते हुए यह अर्थसंकल्प रखा गया है। देश स्वर्ण जयंती वर्ष में कैसा होगा, इसकी नींव भी इस अर्थसंकल्प में रखी गई है। 1 फरवरी को पेश किया गया बजट पहले विभिन्न हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया, ऐसा पत्र परिषद के दौरान राव साहेब दानवे द्वारा कहा गया। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में किसानों की फसल को मार्केट मिले, इसलिए किसान रेल की शुरू की गई। साथ ही मुंबई से नागपुर बुलेट ट्रेन के संदर्भ में भी अहवाल तैयार किया जा रहा है कि ये बुलेट ट्रेन समृद्धि महामार्ग से ही आए। कोरोना महामारी में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन की जवाबदारी थी जनता को सहायता करना। इस दौरान केंद्र द्वारा ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध किए गए। उपस्थित सर्व भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, माझे सर्व सहकारी आणि प्रेसमधील सर्व मित्रांनो, 1 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा जो अर्थसंकल्प सादर झाला, हा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी देशातल्या वेगवेगळ्या घटकाशी चर्चा करून त्यांच्या ज्या सूचना आहेत त्या योग्य सूचनांची दखल घेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे। खरं तर हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला डोळ्यापुढे ठेवून सर्व क्षेत्राला स्पर्श करणारा आणि न्याय देणारा अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे। आपल्या माहिती आहे की हे वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि त्यामुळं 2022 जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्या अर्थसंकल्पामध्ये पुढच्या 25 वर्षाचा वेध घेण्यात आलेला आहे आणि हा देश। इसी के साथ ही वर्धा नांदेड़, वर्धा बल्लारशाह तिहेरी मार्ग, वर्धा नागपुर तिहेरी मार्ग, नागपुर नागभीड़ मार्ग के कार्य के लिए निधि दी गई। इसी के साथ शहर का अजनी स्टेशन भी अद्यावत किया जाएगा, ऐसा भी दानी द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।